गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम बलदेव श्रीवास्तव। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू SST चैप्टर 3। चैप्टर 3 में आवर अर्थ स्ट्रक्चर लीफ एंड मोशंस, इसके बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ाएंगे। हमारी पृथ्वी, उसके बनावट और उसकी गति। आवर अर्थ के बारे में पिछले क्लास में भी मैंने काफी कुछ बता चुका हूं। ग्लोब अब इसमें पढ़ेंगे, जैसे पृथ्वी का स्ट्रक्चर एक नमूना जो है ग्लोब को हम लेते हैं। ग्लोब पृथ्वी के समान ही एक उसका नमूना है ग्लोब, उसके बारे में। ए ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ आवर अर्थ। एक ग्लोब जो है पृथ्वी का एक नमूना है। नमूना उसको कहते हैं कि जिसके समान कोई दूसरी वस्तु दिखाई दे। तो ग्लोब जो है, ग्लोब को जो हम देखते हैं उसी के जस्ट लाइक, उसी के समान हमारी पृथ्वी भी है, इसलिए ग्लोब को पृथ्वी का नमूना कहा गया है। विच इज नॉट परफेक्टली राउंड इन शेप, पूरी तरह से गोल नहीं है। पूरी तरह से हमारी पृथ्वी भी गोल नहीं होती, गोल नहीं है। वह नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी वहां पर कुछ चिपटी हुई, हल्का सा चिपटी हुई वह है। तो नॉट परफेक्टली राउंडिंग से द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप लाइक एन ऑरेंज। अर्थ इज, पृथ्वी एक स्फेरिकल इन शेप लाइक ए और लाइक एन ऑरेंज, एक नारंगी की तरह एक वृत्ताकार रूप में है। ये हमारी पृथ्वी नारंगी की तरह हमारी पृथ्वी एक वृत्ताकार आकार में है। तो हम आपको बता रहे थे ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या है? एक ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ ऑफ आवर अर्थ। व्हेन वी ऑब्जर्व ए ग्लोब, जब हम ग्लोब को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं, देखते हैं, we notice that the earth is round in shape, तो हम ध्यान देते हैं कि पृथ्वी जो है वह आकार में गोल है। but it is slightly means हल्का, but it is slightly flattened, यानी चपटी। but it is slightly flattened at both the poles, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। मैंने बताया कि यह पृथ्वी आकार में गोल है, किंतु यह हल्के से दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों साइड में यह हल्की सी चिपटी हुई है, फ्लैटेंड है, थोड़ी सी चिपटी हुई, चपटी हुई, चपटी है। तो पृथ्वी का दो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, एक ऊपर और एक दक्षिण, यानी एक उत्तरी भाग में पृथ्वी के, उत्तर में नॉर्थ पोल है सबसे अंतिम में, और पृथ्वी के सबसे दक्षिण छोर पर साउथ पोल है। यानी नॉर्थ पोल को हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल को हम कहते हैं दक्षिण ध्रुव। नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और साउथ पोल को हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, स्ट्रक्चर बनावट, पृथ्वी की बनावट, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। According to the scientists,
वैज्ञानिकों के अनुसार द अर्थ इज ए प्लैनेट, पृथ्वी एक ग्रह है। ए पार्ट ऑफ द सन विच कूल्ड डाउन ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स, या शुरू में सूर्य का ही एक भाग पृथ्वी थी, पृथ्वी बहुत पहले यानी मिलियंस ऑफ इयर्स करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी सूर्य का ही एक भाग थी, और यह धीरे धीरे करोड़ों वर्ष लग गए इसको धीरे धीरे ठंडा होने में, करोड़ों वर्ष इसको ठंडा होने में धीरे धीरे ठंडा होती गई पृथ्वी, धीरे धीरे ठंडा होती गई। Only the outer surface of the earth is hard and uneven. Only the outer surface, केवल पृथ्वी का ऊपरी सतह, पृथ्वी का केवल ऊपरी सतह कठोर है, hard है and uneven, यानी उबड़ खाबड़ है, सभी जगह प्लेन नहीं है। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर यानी भीतरी, इंटीरियर मीन्स भीतरी, यानी पृथ्वी के भीतर अर्थ इज स्टील वेरी हॉट, मोल्टेन एंड गैसियस। पृथ्वी के ऊपर तो मैंने बताया कि हार्ड है, ऊपरी सतह हार्ड है और अनइवन है, लेकिन पृथ्वी के भीतर जब हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वह जो है वह क्या है तो गर्म है और पिघली हुई है, पिघली हुई और गैसियस है यानी गैस से भरा हुआ है। देयर आर थ्री लेयर्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी का तीन लेयर्स है यानी तीन परतें हैं, लेयर्स की परतें हैं। Layers means परतें, पृथ्वी की तीन परतें हैं, पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है उसको ऑब्जर्वेशन के दृष्टि से हम उसको तीन भागों में, पृथ्वी के लेयर्स, पृथ्वी के स्ट्रक्चर को तीन लेयरों में बांटा गया है। पहला है क्रस्ट है, ये तीन लेयर्स हैं, इसका पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। नाउ यू विल मीट देयर आर थ्री लेयर्स, क्रस्ट पहला, सेकेंड मेंटल और तीसरा कोर है। अब द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, अब आप पढ़ेंगे कि क्रस्ट क्या है, पृथ्वी का क्रस्ट क्या है, क्रस्ट किसको कहते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, अब ये पिक्चर में है तो पिक्चर में तो यहां स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा, आप लोग अपने बुक में देखेंगे। Of the interior part of the earth, the crust is the outermost layer of the earth. ये crust जो है outermost layer है, पृथ्वी का ये crust जो है outermost layer है, यानी पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह को, ऊपरी परत को हम crust कहते हैं, सबसे ऊपरी परत को हम crust कहते हैं। The crust is the outermost layer of the earth. Made up of rocks above the mantle. Made up of rocks, rock से बना हुआ है, above the mantle, यानी mantle से ऊपरी, ऊपरी भाग को, mantle से ऊपरी सतह को, mantle के ऊपरी सतह को हम crust कहते हैं, जो rocks इत्यादि से बना हुआ है। तो ये क्रस्ट जो है क्या है, आउटर मोस्ट लेयर हो गया, आउटर मोस्ट लेयर हो गया पहला, दूसरा
दूसरा है आउट द अपर मोस्ट थिन हार्ट, अपर मोस्ट थिन हार्ट अनइवन लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। तो क्रस्ट को ये हम क्या कहेंगे, इज द अपर मोस्ट अपर मोस्ट थिन, मोटा, थिन मींस मोटा, अपर मोस्ट थिन हार्ड एंड हार्ड अनइवन अनइवन लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। ओके, द रिजिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ द क्रस्ट एंड अपर मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। यानी ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं, यानी उसको हम कहते हैं अस्थल मंडल। क्या कहते हैं, अस्थल मंडल। अनइवन अपर क्रस्ट हैज डिफरेंट लैंडस्केप्स। अब लिथोस्फीयर जो है जिसको हम अस्थल मंडल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अपर क्रस्ट कहते हैं, हैज डिफरेंट लैंडस्केप्स। जैसे लिथोस्फीयर पर क्या क्या है, तो माउंटेन है, प्लेट्यूज है, माउंटेन पर्वत, प्लेट्यूज पठार, हिल्स पहाड़ियां, वास्ट प्लेन्स विस्तृत मैदान, बड़े मैदान, डेजर्ट्स मरुभूमि, रिवर्स लेक्स, डीप ओशियंस नदियां, और डीप ओशियंस गहरे सागर, गहरे महासागर। तो लिथोस्फीयर पर यह है, यानी अस्थल मंडल, अस्थल मंडल पृथ्वी का वह जो ऊपरी सतह है जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जो हार्ड होता है, और उस पर ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें हैं पाई जाती हैं। अब दूसरा है मेंटल, मेंटल द मिडिल, मिडल द मिडल यानी इसको इंटीरियर कहते हैं, मिडल मोल्टेन एरिया, मोल्टेन एरिया ऑफ द अर्थ इज नोन एज मेंटल। यानी मिडिल, मिडिल माने मध्य, यानी क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल है, और ये मेंटल तो है मिडिल, मिडिल एरिया है, मिडिल मोल्टेन एरिया, मोल्टेन माने पिघली हुई, यानी जो मेंटल है वह क्या है, तो बीच की जो परतें हैं वह पिघली हुई एरिया है, क्षेत्र है पृथ्वी का, उसी को कहते हैं इनोनाइल मेंटल, उसी को हम मेंटल कहते हैं। इट कंप्राइजेज हॉट डेंस सिलिकेट रॉक्स, सम इंटीरियर पार्ट्स इज मेड अप ऑफ मोल्टन रॉकी मटेरियल। यानी मोल्टन रॉकी मटेरियल यानी पिघली हुई जो चट्टानीय जो वस्तु है, मटेरियल है, पदार्थ है, उससे ये बनी हुई है। तीसरा है कोर ऑफ द अर्थ, कोर कहते हैं, कोर पृथ्वी का तीन परतें मैंने बताया, क्रस्ट मेंटल और कोर। तो सबसे जो भीतरी भाग जो है इंटीरियर जो परत है उसको हम पृथ्वी का ये कोर कहते हैं, कोर। तो कोर क्या चीज है, द
The interior most central part central part of the earth is called the core. तो पृथ्वी का सबसे मोस्ट सेंट्रल जो केंद्र का जो पार्ट है हिस्सा है उसको हम कहते हैं कोर कहते हैं विच इज हार्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट विच इज हार्ड which is hard and extremely जो कठोर और बहुत ही गर्म होता है पृथ्वी का सबसे इंटीरियर मोस्ट सेंट्रल पार्ट जो है केंद्रीय जो भाग है वह उसके बाद हम कहते हैं कोर कहते हैं जो कठोर और बहुत ही गर्म होता है अब ये आपको मैंने बताया कि पृथ्वी का स्ट्रक्चर के बारे में कि पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसे है तो पृथ्वी का तीन लेयर स्ट्रक्चर की दृष्टि से पृथ्वी को तीन लेयर में बांटा गया है पहला है क्रस्ट दूसरा मेंटल तीसरा कोर ये स्ट्रक्चर हो गया अब आपको मैप के बारे में मैं बताऊंगा तो मैप जो है मैप मीन्स नक्शा उसको हम अगले क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा तब तक आप लोग इसको अध्ययन करेंगे इसको याद करेंगे थैंक यू हैव ए नाइस डे और मैं कहूंगा घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।